दोस्तों नमस्कार। मैं आज अपने बेटे बड़े विराज भारद्वाज को लेकर आया हूँ गांव जोड़ी, और यहाँ दादी प्रकाशी जो है हमारी काफी मशहूर हैं कि जो इस उम्र में इतना मतलब कि शूटर बनी हुई है, शूटिंग रेंज में काफी मेडल वगैरह जीत चुके हैं। मैं अभी आपसे उनसे बात कराऊंगा और सब कुछ आपको दिखाऊंगा। कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे उनसे आप बात कराता हूँ। ये पहले उनके मेडल वगैरह देख लीजिएगा। आ जाओ बैठो। जो कि शायद हजारों की संख्या में फोटोज जो उच्च अपर क्लास अधिकारी, क्योंकि साथ सभी के साथ फोटो वगैरह है मंत्री वगैरह इनके साथ, और काफी संख्या में मेडल लगे हुए हैं कि जो कि मैं गिनती नहीं कर पा रहा। ये दृश्य मैं आपको सब दिखा देता हूं पूरा, जो दृश्य रखे हुएगा। आवलो में एक बार आपको उनसे मिला देता हूं। नमस्कार जी, आप जीते रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताया गया कि आपकी अभी तबीयत कुछ डाउन थी, 5-7 दिन से। 10-10 दिन तक बहुत तबीयत खराब थी, अब परसों तो ठीक हूँ। अच्छा, परसों से ठीक है आप? हाँ। अच्छा, तो आप कहाँ शायद कपिल के शो में भी गए आप? कपिल शर्मा के शो में भी गई, मनीष कोल के में भी गई, सलमान खान के बिग बॉस में भी गई। अच्छा, काफी उसमें शो में गए आप? गई सारे को। चलो ठीक है। अच्छा, नमस्कार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे? कहिए। और मेरे आशीर्वाद है सब। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसी की हम कामना करने के लिए यहाँ आए थे, और आपके आशीर्वाद ही लेने के लिए हम यहाँ आए थे। दोस्तों, आज हम जोड़ी गांव में दादी प्रकाशु से मिलना हुआ और काफ़ी सारी बातें हुई। दादी हमारी प्रकाशु है, उनके पास आया मिलने के लिए। काफ़ी चर्चा में आई हुई है, इसलिए आज मैं अपने बेटे विराज को लेकर यहाँ आया इनसे मिलने के लिए। मुझे इनका व्यवहार इतना अच्छा लगा कि आप लोग खुद आकर ही बताओगे। इनसे बातें की, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने सारी बातें मुझे बताई। इनके साथ बैठकर खैर चाय पानी ली हमने, बहुत ही अच्छा सम्मान किया इन्होंने इनका। बाद में हमने रूम देखा, जिस रूम में अभी बैठे हैं, यहाँ इनके मेडल लगे हुए हैं। काफ़ी सारी बातें हुई हैं। आप आकर इनसे मिलो, काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको कि इस उम्र में इतना जो काम किया है इन्होंने, वो हर किसी के बस की नहीं है। मेरे हिसाब से कोई जगह खाली नहीं है। इस बात से इनसे मिलकर सभी को सीख लेनी चाहिए कि इस उम्र में दो साल तो इन्होंने क्या किया है। बात करते हो, चलो बात।